नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर निर्मला शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सदर निगाहें। दर्शकों, यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ मिलकर अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मैं आपके सामने बहु उपयोगी सामग्रियों और एक्सक्लूसिव न्यूज लेकर के वीडियोस लेकर लगातार प्रस्तुत हो रही हूं। मैंने पिछले बार एक वीडियो में बताया था कोरबा जिला के कोरबा बालको मुख्य मार्ग पर स्थित अंधेरी माता से लगी हुई शराब भट्टी और शराब भट्टी से की दीवार से लगी हुई बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी का मंदिर और मंदिर के सामने चखना की दुकानें, मटन की दुकानें किस तरह संचालित हो रही हैं। यहाँ सुबह से देर रात तक आपराधिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। यहाँ पे यातायात दबाव बहुत ज्यादा होता है। यहाँ का माहौल अत्यंत दूषित हो चुका है। यहाँ पे महिलाएं तो बहुत दूर पुरुष भी गुजरने से गुरेज करते हैं। गाली गलौज, लूटपाट, दुर्घटनाएं आम बात है। यह क्षेत्र, मैं आपको बता दूं इसकी एक और विडंबना कि यह क्षेत्र पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला सत्र न्यायालय, नगर पालिका निगम, कलेक्टोरेट ऑफिस और तमाम प्रशासनिक ऑफिस से 2 फरलांग की दूरी पर है। यह क्षेत्र रामपुर चौकी के अंतर्गत आता है। मैंने इस क्षेत्र के इस घिनौने माहौल की तरफ जब माननीय आईजी साहब कोरबा प्रवास पर आए थे तो उनका प्रेस मीट में ध्यान आकर्षित कराया था, माननीय एसपी साहब का ध्यान आकर्षित कराया था, माननीय कलेक्टर साहब का ध्यान आकर्षित कराया था। तब नए एसपी मयंक श्रीवास्तव ने स्पष्ट और सख्त आदेश दिया था कि इस क्षेत्र पे गश्त बढ़ाई जाए और इस क्षेत्र के इस माहौल को कंट्रोल किया जाए। जब से नए एसपी ने कोरबा में अपना कार्यभार संभाला है, अब नशे के कारोबार में काफी अंकुश लग चुका है। सिर्फ रामपुर क्षेत्र का यह एरिया ऐसा है जहां यह कारोबार उल्टे दिनों दिन और फल रहा है, फूल रहा है, फैल रहा है। मैं आपको बता दूं, मकबूल खान चौकी, रामपुर चौकी प्रभारी थे, तब से लेकर दीपक केमट के कार्यकाल तक इस क्षेत्र में कभी इतना घिनौना वातावरण, पाप का इतना गंदा माहौल क्रिएट नहीं हुआ था जो आज अभी दिखाई दे रहा है। स्पष्ट एसपी साहब का आदेश, उसकी अवहेलना, वह क्या कितने बुलंद हौसले हैं रामपुर चौकी के, मानना पड़ेगा। रामपुर चौकी किस तरह से इन अपराधों को प्रश्रय दे रहे हैं आप देखें, स्वयं देखें। मैं आज एक एक्सक्लूसिव वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूं। आप देखें एक खाकी वर्दीधारी किस तरह खाकी वर्दी को शर्मसार कर रहा है। यहां पर चखना की दुकानें संचालित हैं, मटन की दुकानें संचालित हैं। विद्युत मंडल का कर्मचारी विद्याभूषण यादव उर्फ सोनू यादव यहाँ पे चखना दुकान चलाता है और अपने गुंडे दोस्तों के साथ इतना आतंक मचा रखा है कि वह मंदिर में बैठकर शराब पीता है, गांजा पीता है, एम्पुल लेता है और चिलम पीता है और महिलाओं के साथ गाली गलौज करता है। महिला पत्रकार का मोबाइल छीनकर पटक देता है, महिला पत्रकार का कैमरा, वीडियो कैमरा छीनकर पटक देता है। इतना निरंकुश और खुलेआम मीडिया के सामने और जनता के सामने, पुलिस के सामने कहता है कि पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मीडिया और कानून मेरी जेब में है, मैं रामपुर चौकी को 15,000 रुपए महीना देता हूं। अब देखिए, आप स्वयं देखिए खाकी वर्दी इस चखना दुकान में, इस शराब भट्टी के सामने की चखना दुकान में क्या कर रहा है। एक वर्दीधारी नहीं, यहाँ पे आए दिन कई वर्दीधारी यहाँ पे इसी तरीके से शराब का सेवन करते हुए, नशे का सेवन करते हुए, वसूली करते हुए दिखते हैं और मैं आपके सामने इसी तरह का एक्सक्लूसिव वीडियोस लेकर तब तक प्रस्तुत होती रहूंगी जब तक शासन प्रशासन की नींद न खुल जाए, जब तक मेन रोड पर चलती हुई शराब भट्टी, मुख्य मार्ग पर चलती हुई शराब भट्टी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाती हुई यह शराब भट्टी की मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर कोई शराब भट्टी नहीं होनी चाहिए। नगर प्रशासनिक वाणिज्य मंत्री अमरनाथ अग्रवाल के आदेश की धज्जियां उड़ाती हुई चखना की दुकानें कि शराब भट्टी से 100 मीटर की दूरी पर चखना दुकानें नहीं होनी चाहिए, नहीं हट जाती तब तक सजग निगाहें इसी तरह एक्सक्लूसिव वीडियोस लेकर प्रस्तुत होता रहेगा, इन गंदे घिनौने चेहरों पर फोकस करता रहेगा, क्योंकि सजग निगाहें ने मुहिम छेड़ा है। वह इस धर्म के क्षेत्र को, इस मंदिर को
मुक्त कराकर रहेगा इन पापियों से जिन्होंने इस वातावरण को दूषित कर रखा है। आप देखिए इसमें एक वर्दीधारी जो साइकिल के कैरियर में डिस्पोजल रखा है, देसी शराब की बॉटल को खोल रहा है। मैं पीछे से शूटिंग कर रही हूँ, जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ती है वह शराब की बोतल को वापस बंद करता है, अपने जेब में रखता है। आप स्पष्ट रूप से देखिए, आप यहीं से आप अनुमान लगा सकते हैं कि रामपुर चौकी या पुलिस का किस तरह इस शराब भट्टी पर, इस चखना की दुकानों पर किस तरह प्रश्रय है, जिसकी वजह से यह गुंडा राज चल रहा है। आज यह क्षेत्र रेड लाइट एरिया से भी ज्यादा घिनौना धब्बा बन चुका है समाज के नाम पर। मैं सजग निगाहें चाहता है आपके सामने इसी तरह वीडियोस लेकर प्रस्तुत होता रहेगा, ताकि सजग निगाहें चाहता है इस धार्मिक क्षेत्र को इन आतताइयों से, इन पापियों से मुक्त करे। सजग निगाहें चाहता है धर्म की रक्षा हो। तो बने रहें आप सजग निगाहें के साथ। जय हिंद।